الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محي الذنوب والخطايا الذي كان نبيا وآدم بين التين والماء محمد المصطفى والمرتضى والمجتبى عليه التحية والثناء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين قال الله تبارك وتعالى كلامه المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه ونبيه ومحبوبه مخبرا وآمرا گنج بخش فیض عالم مدہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کامل آرا رہنما گنج بخشی ہے تیری مشہور ہم پہ کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ بھرم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاة والسلام محبت نہ پڑھو محبت نہ الصلاۃ والسلام علیک یا تیرے اُتے
सुते होए सबना शहीदानू सलाम तेरे उते सुते होए सबना मैं अपनी हाजरी लवा रहा तुसी अपनी लवानी है जिवें मैं लवा रहा तुसी भी सलाम पेश करो ना तुहाडा भी हले बैत ना तल्लक है वे मोहब्बत ना पढ़ो जमीने करबला जो महफल खत्म हो जानी है ना तो लंगर वडीना है उदो गुजरांवाले तक आवाज जानी है मैं आना पे बोलो थोड़ा जा मुंह खोलो हूं आवाज नहीं निकलती जो तो लंगर मडीना है उदो किले दीदार सिंह तक आवाज जानी है ज़मीने करबला तेरे पिछले भी बोलो ज़मीने करबला तेरे सलाम ज़मीने करबला तेरे नसीबानू सलाम तेरे उते सुते होए सबना अल्लाह ताला दी हमदो सनाव उसके प्यारे हबीब हबीबा दे हबीब महबूबा दे महबूब मुख्तारे कुल नबी कुल खातमन नबीयीन इमामुल अंबिया वल मुरसलीन रहमत दो जहां सरकार मदीना सुरूर कल्बो सीना रहमतुल लिल आलमीन हसनैन करीमैन दे नाना जान बीबी ज़ारा बाग दे बाबा जान हुजूर मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पाक बारगाह दे अंदर हदीया दुरूद सलाम नजराना पेश करने तो बाद दुआए अल्लाह ताला दी बारगाह दे अंदर जिन्ना जिन्ना दोस्तों बुजुर्गों ने इस महफले पाक दे नाल जानी माली तावन किया है अल्लाह ताला सब दी इज्जत रिजक सेहत माल जान दे अंदर अल्लाह ताला खैर बरकत फरमाए उठना जरा सज्जे खब्बे वेखना उठना पिछे बार बार जाना ये जरा बंद कर दियो गल्लां बड़ियां कीमती ने जड़ियां मैं तैयार करके ले आया मैं सूरत आले इमरान दी आयत पढ़ी है सूरत आले इमरान दी पारा नंबर 3 मुबाहले वाली आयत पढ़ी है इंदे तो पहले एक बात अर्ज करा मदीना पाक के अंदर एक जोड़ी रही है मर्द और उची बोलो मर्द और औरत एक जोड़ी उन्हें आपस के अंदर झगड़ा नहीं खत्म होता तवज्जो है आपस के अंदर झगड़ा नहीं खत्म होता एक दिन झगड़ रहे हैं उन्होंने जेड़े हमसाए ने वो मेरे आका दे नाल बड़ी मुहब्बत रखन वाले ने लेकिन वो जोड़ी जोड़ी आपस दे अंदर लड़दी है उन्हां दा मेरे आका नाल कोई तल्लक नहीं एक दिन लड़दियां लड़दियां झगड़दियां झगड़दियां वो जिहड़े हमसाए सन ना वो आ गए उन्होंने आख्या बंदे नूं भी पुछया औरत नूं भी पुछया उन्हें आख्या यार तुसीं रोजाना लड़दे हो तू यार इन्हू लड़ना है इन्हू मारना है इन्हू गाली गलोच करना है गल की वजह की आज गल सानू दस लड़न दी की वजह उन्हें आख्या यार ऐ मेरी बीवी है इन्हे बच्चे नू जमया जन्म दिता है मैं इहदे नाल इस गल तो लड़ना वा कि बच्चा मेरा नहीं ये बच्चा मेरा एक गल बड़ी स्वादी है
गौर ना सुनो, ये बच्चा मेरा नहीं। रौला पांदियां पांदियां विच को समझदार भी होंदे ने, बहुते तमाशा वेखण वाले होंदे ने, बहुते उत्ते मूवियां बनाउण वाले होंदे ने, टुई लाउण वाले शैतानी करन वाले बहुते होंदे ने, ते झगड़े नूं खत्म करन वाले थोड़े होंदे ने, तमाशा वेखण वाले बहुते होंदे ने। हाफिज शोएब साहब, ए गल मैं तुहाडी नजर करना, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਮਸਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਆਦਮੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਤੇਰੇ ਨੁਤਫਾ ਯਕੀਨ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਅਰ ਰਹਿਮਾਨ ਉਲਮ ਅਲ ਕੁਰਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਮੁਸਤਫਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਉਸ ਮਹਬੂਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਓ। ਉਹ ਨਾ ਜਾਣ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਕੱਲਿਆ। ਤਵੱਜੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹ ਮਰਦ ਔਰਤ ਆ ਗਏ, ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਲੈ ਆਏ। ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਐ ਮੁਹੰਮਦ ਪੜੋ ਦਰੂਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਐ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਏ, ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਏ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਹਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਮਜ਼ੇ ਵਾਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ, ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ, ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੋਹਣਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਫੈਸਲਾ ਫਰਮਾਓ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਇਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਠਹਿਰ ਜਾਓ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਹਸਨ ਆਇਆ, ਆਣ ਕੇ ਆਕਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਨਾਨੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਆਏ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਜੋੜੀ ਦਾ, ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਨਵਾਸੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਔਰਤ ਪੁੱਛਦੀ, ਸੋਹਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਆਈ ਆ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਖਾਵਤ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਹਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿੰਦਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰੇ ਨਵਾਸੇ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਹਣਿਆ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਬਤੂਲ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਅਦਬ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹ ਹਲਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਲਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ, ਗੂੰਗਾ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਹਲਾਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਰਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਲਾਲੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਹਲਾਲੀ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਮੁਬਾਹਲੇ ਵਾਲੀ ਐਤ ਪੜ੍ਹੀ ਸੂਰਤ ਆਲ ਇਮਰਾਨ, ਤਿੰਨ ਮੀਲ ਦੂਰ ਹੈ ਮਕਾਮੇ ਮੁਬਾਹਲਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਨਾ ਬਾਅਦ। ਚੰਦ ਈਸਾਈ ਲੋਕ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ, ਐ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੇਟੇ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਵੀ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਹੈ, ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਨਾਊਜ਼ੂ ਬਿੱਲਾ, ਨਕਲੇ ਕੁਫਰ, ਕੁਫਰ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਅੱਜ ਦੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਅਕੀਦਾ ਹੈ, ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਆਉਣਗੇ, ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਹੀਂ। ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੁੱਠ ਭਰ ਕੇ ਫੂਕ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਿੰਦਾ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਮੌਜੂਜ਼ੇ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਜੋ ਘਰੋਂ ਖਾ ਕੇ ਆਓ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਖਾ ਕੇ ਆਓ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਨੰਬਰ 4 ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਠੋਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁੰਮ ਬੀਦ ਨੀਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੁਰਾਨ ਦੇ 5 ਮੌਜੂਜ਼ੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ 5 ਮੌਜੂਜ਼ੇ ਦੱਸ ਕੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਇਆ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕਮਾਲਾਤ ਨੇ, ਵਗਰਨਾ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੇਟੇ। ਇਹ 5 ਮੌਜੂਜ਼ੇ ਸਿਫਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? ਬੋਲੋ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਹਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਏ ਸਾਈ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਹੀਂ। 3 ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ 3 ਵਾਰੀ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ 3 ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਬੂਤ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਮਰੀਮ ਦਾ ਸ਼ੋਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਰਤ ਮਰੀਮ ਪਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਬਾਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਬਗੈਰ ਬਾਪ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਸਾਮਈਨ ਗੌਰ ਫਰਮਾਓ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਇਆ ਅਗਰ ਈਸਾ ਦਾ ਬਾਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਬੋਲੋ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਇਆ ਅਗਰ ਈਸਾ ਦਾ ਬਾਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਦਮ ਦਾ ਤੇ ਬਾਪ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਵੀ ਕੋਈ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਆਦਮ ਦਾ ਬਾਪ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਦਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਨਾ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ, ਉਤਲਾ ਕੌਣ ਜਿਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਮੀ ਬਸੀਰ? ਉਹ ਸਮੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਮੀ ਦਾ ਮੈਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ, ਬਸੀਰ ਦਾ ਮੈਨਾ ਬਸਾਰਤ ਵਾਲਾ, ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ। ਉਤਲੇ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾਲੇ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ, ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਤਲੇ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤਵੱਜੋ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ। ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬਕੁਲ ਤਾਲੋ ਨਦੋ ਅਬਨਾ ਅਬਨਾ ਅਕਮ ਵਨਿਸਾ ਅਨਾ ਵਨਿਸਾ ਅਕਮ ਫੁਸਨਾ ਫੁਸਕਮ ਉਤਲੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣੀ, ਉਤਲੇ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਬਰੀਲ ਰਿਹਾ ਮੌਲਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨਾ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਅਲੈ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਨੂੰ, ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਫਰਮਾਰ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਨਾਲੇ ਸਲਾਮ ਦੇਵੋ ਨਾਲੇ ਪੈਗਾਮ ਦੇਵੋ। ਸੋਹਣਿਆ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਆਨੋ ਫੁਸਨਾ ਫੁਸਕ ਫਕੁਲ ਤਾਲੋ ਨਦਉ ਅਬਨਾ ਫ
ثم نبتئل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. بدبخت بندے جنہیں قرآن سن کے اجے بھی سبحان اللہ نہیں آکھیا. اتلے نے گفتگو سنی نہ لے ویکھی پر میں میرے یار نہ اے چوڑے بحث پہ کر دے نے. چوڑے ہی نے نا جڑے عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا پتر بنائی جاندے نے, او چوڑے ہی نے نا. تسی کی آندے ہو نا بولو, تسی بھی چوڑے آندے, تو بھی پرات نہیں آندے. اتلے نے گفتگو سنی, فرمایا میرے محبوب نو جا کے جبریل نو فرمایا عرض کرو. توجہ گل بڑی مزے علی لے ایتھے ہی تے مزہ ہونا, توجہ ہٹ گئی تے مزہ خراب ہو گیا. اینی محنت کرن دا فائدہ ایتھے ہونا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو جبریل آن کے سلام دیتا نالے پیغام دیتا سونا. اللہ فرماندا ہے فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم, انہاں نو فرماؤ تسی اپنے پتر لے آؤ. سورت آل عمران دی ہے تے مباہلے والی ہے, مباہلے والی پارہ نمبر 3. حضور نے فرمایا جبریل علیہ السلام نے پیغام دیتا, عرض کر دیں سونا. اللہ فرماتا ہے ابنانا و ابناکم, اسی اپنے بیٹے لے آؤں, میں اپنے بیٹے لے آؤں. و نسانا و نساکم, تسی اپنی عورتاں لے آؤ, میں اپنی عورتاں لے آؤں. وان فسنا وان فسکم, تسی اپنی جاناں لے آؤ, میں اپنی جاناں لے آؤں. علماء فرماندے نے جاننا تو مراد مولا علی نے, ونسانا ونساکم اندے تو مراد فاطمہ نے, ابنانا و ابناکم اندے تو مراد حسن تے حسین. اس انداز دے ہن انداز ویکھنا سرکار دا. سرکار چلے نے 3 میل دور ہے مقام مبالا. کنے میل؟ 3 میل, کلومیٹر زیادہ بن گیا 3 میل. جبریل علیہ السلام نے جناب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو پیغام دیتا. جبریل علیہ السلام میرے آقا نو عرض کرتے نے سونے انہاں نو فرماؤ تسی اپنے بیٹے لے آؤ, میں اپنے بیٹے لے کے آ جانا. تسی اپنی عورتاں لے آؤ, میں اپنی عورتاں لے کے آ جانا. تسی اپنے نفس لے آؤ, اپنی جانا لے آؤ, میں اپنی جانا لے کے آ جانا. درد دل رکھن والے ہو عاشقو 3 میل دور ہے مقام مبالا. ہن سجی شہادت والی انگلی دے نال میرے آقا نے اپنے نواسے حسن نو فرمایا حسن ارے آؤ بیٹا, ارے آؤ. حسن پاک میرے آقا دی بارگاہ دے اندر آئے جی نانا. میرے آقا نے سجی انگلی دے نال حسن نو لایا, پیچھے زہرا پیچھے مولا علی, سجی انگلی دے نال امام حسن لگے ہوئے, کھبے موڈے دے اوتے امام حسین بیٹھے ہوئے. حسن انگلی دے نال حسین نانے دے کھبے کندھے اوتے بیٹھے ہوئے, پیچھے زہرا پیچھے مولا علی. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے ہو جناب والا. میرے آقا دی شریعت دے اندر حکم ہے جدو جناب شوہر تے جناب عورت جا رہے ہو, میرے آقا دی شریعت وچ حکم ہے مرد اگے ٹرے عورت پیچھے ٹرے. لیکن قرآن آندے مولا علی پیچھے پیچھے ٹرے جاندے نے, زہرا اگے اگے ٹریاں جاندیاں نے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو. نکتے والی گل ذرا نوٹ کرو, میں پوچھنا مولا زہرا پیچھے ٹرے علی پاک اگے چلن, ایتھے زہرا اگے اگے ٹری جاندی ہے. مولا علی پیچھے پیچھے ٹرے جا رہے ہیں. آقا کریم دی شریعت دے اندر ہے حکم ہے جڑی عورت مرد دے اگے لگ کے ٹرے او عورت بدتمیز ہوندی ہے, او عورت اپنے خاوند دی گستاخ ہوندی ہے. لیکن علی پاک پیچھے نے زہرا اگے وے. تخیل دی دنیا چنو پوچھ لو مولا ہر تھائیں اتے
हुक्म करना औरत पीछे तुरे मर्द अगे तुरे इत्थे ज़ारा पीछे तुर अगे अगे तुरियां जा रही है अली पाक पीछे पीछे तुरे जा रहे फरमाया आवाज आया लोगों अगे मेरा नबी है पीछे अली है बेच फातमा है लोगों नू सबक देना चाहना ज़हरा इन्ने हयात पर्दे वाली है नबी नू अगे टोरिया अली नू पीछे टोरिया दरमियान च बीबी ज़हरा पागल लोगों नू दसना चाहना उतले वेखण उन्हां नू नबी दा कदम नजर आए जमीन आले वेखण उन्हां नू अली दा कदम नजर आए बाबे दे कदम दा कई आका करीम दे कदम आसमान वाले वेखदे अली दे कदम जमीन वाले वेखदे विच फातमा आवाज आया जिंदे पैर दा जिंदे कदम दा भी पड़दा है ओनू फातमा आंदे जिंदे कदम दा भी पड़दा है जिंदे हौली हौली बोलो जिंदे उतले वेखण ते उन्हां नूं मुहम्मद दा पैर नजर आए ते थलड़े वेखण ते उन्हां नूं अली दा पैर नजर आए हैं ए मुहम्मद दी धी दी शान है बीबी ज़हरा पाक ओ ने जिन्हां दे कदम दा भी पड़दा है हैं फकुल तआलो नदउ अपना نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين اچھا یہ گل اتھوں تک سمجھ آ گئی ہے چلو شکر ہے ہن اگے چلیے اجے میں شہادت بھی پڑھنی ہے مینوں فرمائش ہوئی ہے حضرت بلال حبشی دا حسن حسین دے نال پیار کیویں سی وہ ذرا جی بیان کرنا ہے پانچ دس منٹ وہ بھی حاضری لگوا کے بس میں انشاءاللہ جلدی جدو تسی تھک گئے نا ادو مینوں نظر آ جانا ہے ایک بندہ ہوندا ہے تھکیا ایک ہوندا ہے اکیا تھکیا تے ہوندا ہے یار تھک گیا ہن نہیں بیٹھا جاندا تے اکیا نہ گاں جوگا نہ پیشاں جوگا اکیا جڑا وہ ہور حساب دا ہوندا ہے تھکے دا تے پتہ لگ جاندا بھی تھکیا ہن دو تین ایتاں ہور پڑھا سورت رحمان دیاں میرے آقا جڑے انداز نہ چلے نے نا جڑے انداز نہ چلے نے او بھی ویکھ لو او اس انگلی نو حسن نے پھڑیا جڑی انگلی چن دو ٹکڑے کر دی سورج پیچھے موڑ دی ہے او اس انگلی نو حسن نے پھڑیا ہے کھبے موڑے دے اتے حسین ہے حسین دی انہوں ذرا شان نو ویکھو اللہ نے جبریل نو فرمایا جبریل جا میرے محبوب نو جا کے عرض کرو سونا تین میل دور ہے مقام مبالہ تے تھک جاؤ گے حسین موڑے دے ہوتے فرمایا نا اے توحید دا پنجواں گواہ ہے اے تھے بہن دے تھے تھے بوے گا اے نہیں ہے تو ہی لن لگا حالانکہ جبریل تے پیغام لے کے ہے نا باری تعالیٰ دا کہ سونا اللہ تعالیٰ دا حکم ہے اللہ دا حکم ہے نا سنو انگلی نہ لایا تو حسین نو بھی لاؤ وجو بھائی جنہ جانا ہے جا سکتے ہیں جنہ بہنا ہے ذرا غور نہ میری گل سنو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس انداز دے نال جا رہے ہیں تے جبرائیل علیہ السلام میرے آقا دی بارگاہ دے اندر آ گئے شاعر کی آندا ہے جدو جناب نکلے وہ چاند سے چہرے ساتھ لے کر انج دی سبحان اللہ مینو نہیں چاہی دی انج دی مٹھی سبحان اللہ مینو نہیں چاہی دی وہ چاند سے چہرے ساتھ لے کر رسول میدان میں آ رہا
वो चांद से चेहरे साथ लेकर रसूल मैदान में आ रहा है। मारा जल महरैनी अल्तकिया वो चांद से चेहरे साथ लेकर रसूल मैदान में आ रहा है। वो चांद अद्धे बंदे पढ़ते ने अद्धे पता नहीं क्यों नहीं पढ़ते। जेड़ा बंब डिगया मैं बर्दाश्त करांगा। उच्चा पढ़ो। वो चांद से चेहरे साथ लेकर रसूल मैदान में आ रहा है। वो चांद से चेहरे साथ लेकर रसूल मैदान में आ रहा है। फिर खुशी से जिब्रील रास्ते में, खुशी से जिब्रील रास्ते में परों को अपने बिछा रहा। खुशी से जिब्रील रास्ते में परों को अपने बिछा रहा। खुशी से जिब्रील नहीं बोलते मैं तकरीर ही नहीं करनी। इंज नहीं करना। ऊंची पढ़ो। खुशी करील रास्ते में परों को अपने बिछार गए हैं। खुशी से जिब्रील रास्ते में परों को अपने फरमाया मारा जल महरैनी अल्तकिया फातिमा बैनहुमा बरज़खुन मुहम्मद ला यबगी खुशी से जिब्रील रास्ते में परों को अपने वो सदाकतों के गलाफ ओढ़े। उच्ची बोलो। वसदाकतों के गलाफ ओढ़े, वसदाकतों के गलाफ ओढ़े, वो कुरान की आयतें चल के आ रही है। जेड़ा अजे भी नहीं बोले उनकी मर्जी है। फिर सदाकतों के गलाफ ओढ़े, सदाकतों के सच्चाई के, सदाकतों के गलाफ ओढ़े, सदाकतों के गलाफ ओढ़े। उची बोलो। सदाकतों के गलाफ ओढ़े, वो कुरान की आयतें चल के आ रही है। है देखने को है ऐसा मंजर, है देखने को है ऐसा मंजर के खुदा भी पढ़ दे हटा रहा। देखने को है ऐसा मंजर खुदा भी पढ़ दे हटा रहा।
है खुशी से जिब्रील रास्ते में परों को अपने जड़े मैं शेर पढ़े ने यह वाला किन्ने बोले सन ईसाई पादरी जिंदे नाल हजूर ने फरमाया सी भी तू अपने बेटे ले आ मैं उची बोलो अपने ले आना वा तू अपनी औरत ले आ मैं अपनी तू अपनी जान ले आ मैं अपनी तवज्जो है ते वो जदों उन्हें दूरों ये सूरतां होंदियां वेखियां ना 7000 बंदा सी जिंदे चो 4 बंदे मैदान च रह गए सारे भज गए ओ ईसाई पादरी पता की आंदा है कहंदा जिड़ियां सोहणियां सूरतां आ रहियां ने ना जिड़ियां सोहणियां सूरतां आ रहियां ने ना अगर इन्हें इंज कर छड़िया ना हाथ चुक के ते ईसाई कोई भी नहीं रहना एडियां सोहणियां सूरतां अल्लाह अकबर हुण गल करिए बिलाल दी हिजर भी तो मकामे हुसैन भी उस तो बाद 15-20 मिनट शहादत पढ़ के इजाजत चाहना हजरत बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हुम अज़्मे रसूल थोड़ा जहा हिजर भी बयान हो जाएगा मैंने एक दो बंदे ने कहा जी हिजर भी बयान करो तो हजरत बिलाल का इमाम हसन हुसैन दे नाल प्यार किन्ना सी ये भी अर्ज करो मेरे आका दुनिया तो चले गए जहरी जिंदगी पर्दा फरमाया हजूर अलैहि सलातो सलाम दा गुलाम हजरत बिलाल मदीना पाके च दिल बोलो क्यों बिलाल दा दिल मदीना पाके च नहीं लगता बिलाल जे मदीने दे बाजार वेंदे ने ते सुंजे नजर आंदे ने जे मस्जिद नबवी दे विच दाखल हुंदे ने ते हजूर दा मिंबर वेंदे ते मिंबर भी खाली ते मस्जिद नबवी दा एक थम हुंदा सी खजूर दा उंदे नाल सरकार इंज टेक ला के बैंदे हुंदे सन जे ओह थम वेंदे ते ओह भी खाली बिलाल रोंदे ने नबी दे आशिक हो तुसी भी बिलाल रोंदे ने अखां चो हंजू नहीं सुकदे ते मदीना पाक दे बाजारां नूं पता की आंदे ने फरमांदे ने तुसी मैनूं उदों ही चंगे लगदे सो जदों तुहाडे विच मैनूं यार टुरदा नजर आउंदा सी मस्जिद नबवी दे मिंबर नूं फड़ के जफ्फा मार लैणा ते फरमाणा कि मैनूं तू उदों ही चंगा लगता से जदों आका तेरे उत्ते बैठे हुंदे सन हुण तू मैनूं सुंजा नजर आउंदा है क्यों तेरे उत्ते यार बैठा नजर नहीं आउंदा हजरत बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु बड़ी तवज्जो नाल बात सुनना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु आप दे कोल आए दुरूद शरीफ पढ़ो जरा अस्सलातो हजरत बिलाल अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला दे कोल आए ते आण के हजरत बिलाल जदों बिलाल नूं मार पई सी ना उमैया बिन खलफ ने मारिया सी ये मौजू तो हट के बात करन लगा तवज्जो आशिकां वास्ते तोहफा है तवज्जो भाई हेलो गल सुनो बैठो गल सुनो यार गल बड़ी स्वादी है इंदे वास्ते आ गल जिहड़ी मैं करदा पिया ये सुनाण वास्ते ते इन्ना वक्त कीता है जे यही नहीं सुननी तो फिर फायदा कुछ तुहाडे दिल दे अंदर सरकार दी मुहब्बत पैदा हो गए ऐ रौनक लाण वास्ते सारा काम कीता है ते जे तुसी रौनक नूं खराब करना चाहते हो तो तुहाडी मर्जी है मैं ते रौनक बनाई है गौर करो मेरे अल तवज्जो करो हजरत बिलाल नूं मार पैंदी अबू बकर सिद्दीक कोलों दी लंघे बाजार सौदा लैण वास्ते चले सन ते वेख्या बर्दाश्त नहीं होया सरकार कोल आए सरकार नूं अर्ज करदे ने सोणा बिलाल नूं बड़ी मार पैंदी हजूर जेब विच हत्थ मारिया ते फरमाया ले मेरे कोलों भी पैसे लै जा बिलाल नूं खरीद के आजाद कर दे हजरत अबू बकर सिद्दीक अर्ज करदे ने सोणा ओ जिहड़े पैसे तुसीं जेब चों कढ के मैनूं देंदे पए हो ओ तुहाडे ने ते जिहड़ी मेरी जेब विच ने इह किंदे ने सुणिया इह वी ते तुहाडा ही ने ना यह भी तो तुहाडा ही सदका दिता है सोने अज मेरे को खर्चा घटता भी होया ना बिलाल नूं अज खरीद के आजाद कर देंगा भावें सदीक नूं अज अपना आप बाजार च वेचना पै जाए इहनू आंदे नहीं इश्क इहनू आंदे नहीं मुहब्बत अल्लाह अकबर ते हजरत फिर भी सदीक आशक सी ते बिलाल भी आशक आशक नूं ही आशक ते तरस आया बिलाल बड़ा वड्डा आशक है लेकिन बिलाल नूं खरीद के आजाद करन आला सिद्दीक सिद्दीक पहला आशक बने है
حضرت بلال تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول آئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آن کے آندے نے ابو بکر جدو دے آقا نے صلوات و سلام دنیا تو ساری زندگی تو پردہ فرما گئے ہن میرا مدینہ پاک ہے دل نہیں لگتا ابو بکر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد خلیفہ تے امام تسی بنے ہو مینو اجازت دے وہ میں مدینہ چھڈ کے اپنے وطن واپس جانا چاہنا وا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے عاشقو ابو بکر رون لگ پے رو کے فرمایا بلال مینو چھڈ کے نہ جا تو آقا کریم دے شہر مدینے دا مؤذن کیونکہ جدو حضور دی موجودگی علی اذان پڑھنا ساڈے سینے ٹھنڈ پی جاندی اجی آواز سبحان اللہ دی نہیں آئی اے جڑے پیسے اٹھتے پے نے تواڈے نہیں میرے نے اچھی سبحان اللہ آکھو اے کئی بندے پیسے والے ویندے نے تواڈا ایندے نال کوئی تعلق نہیں میرا تعلق ہے اچھی بولو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گل سنو عاشقو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا غلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اب بلال نہ جا اگے حضور دی جدائی دے نال دل دے اوتے عشق دیاں سٹاں وجیاں ہوئیاں او سٹاں دے نال حضور دے عشق دے زخم بڑے ہوئے نے بلال نہ جا حضرت بلال نے آکھیا نہیں میں جانا ابو بکر کولو جناب زبردستی اجازت لے کے اپنے ملک واپس چلے گئے ایک مہینہ گزریا دو مہینے گزرے تین مہینے گزرن تو بعد غور فرما میرے آقا بلال نو خواب دے وچ میرے آقا نظر آئے میرے آقا نے فرمایا بلال ساڈا شہر مدینہ چھڈ دیتا ہے کی گل ہے ساڈا شہر مدینہ چھڈ دیتا ہے اپنے وطناں وچ آ کے ڈیرے لا لے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے جدوں بلال نو خواب دے وچ میرے آقا ملے بلال رو کے کی آندے نے سخنے وچ میرا ماں ہی ملیا سخنے وچ میرا ماں ہی ملیا گل وچ پا لیاں باواں دردی ماری اکھ نہ کھولا کتے پھر بچھڑنا جاواں انا ارسلنا کشاگدا او مبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وعصيلا دردی ماری اکھ نہ کھولا کتے پھر بچھڑنا جاواں ادھر جناب دل چڑھیا میرے آقا دا عاشق و سادت حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی ادھر جا حضرت بلال اٹھنی دے اوتے بیٹھے اٹھنی نو فرماندے نے چل مدینے جدو حضرت بلال مدینہ پاک آئے جناب مدینہ پاک دے لوگاں نے ویکھیا مدینے دے مرداں نے ویکھیا مدینے دیاں عورتاں نے ویکھیا چھوٹے چھوٹے بچیاں نے ویکھیا نکے نکے بچے اندر جا کے اپنی اماں نو آندے نے بول کے آندے نے اما اجو آیا جڑا آقا دے وقت اذان پڑھدا رہیا اجو آیا ماما نو بھی خوشیاں چڑھ گئیاں
मर्दा नूं भी खुशियां आ औरतां नूं निक्के निक्के बच्चियां नूं। हजरत बिलाल दे कोल सारे लोग इकट्ठे होके आए आ के आंदे ने बिलाल एक बारी अजान पढ़ के सुना दियो जेड़े आका दे चेहरे नूं वेख वेख के पढ़ते रहे हो। हजरत बिलाल रो के की आंदे ने इश्क दियां अक्खां नहीं हो ए लाइयां चांदियां लग जा फिर नहीं बुझाइयां जा। किसे नारा भी नहीं मारिया किसे नारा भी नहीं मारिया सारे इतने मौलवी दा ही लहू पीण वाले ने मौलवी दा गुस्सा ही कढ़ा छड़े। राणा शफीक साहब ने पानी दा गिलास दिता अल्लाह ने उन्हें मदीने लै जाए तुसी क्यों काबर गए हो अल्लाह तुहानू भी लै जाए आमीन ते आखो तुसी आंदे हो उन्हें वास्ते आखे सानू नहीं आखे तुहानू भी अल्लाह लै जाए तुहाडे नाल अल्लाह मैनू भी लै जाए। तवज्जो है उच्ची बोलो बिलाल कोल सियाबा भी आए मदीने दे लोग आए आशिक लोग। एक बारी हजूर दे वक्त अली अजान सुनाओ इत्थे हसन हुसैन दी मैं शान बयान करनी इत्थे ते चस आउणी मैं बिलाल दी नजर दे विच हसन हुसैन दी शान दसन लगा। सारे आए उन्होंने आके आख्या बिलाल एक बार अजान पढ़ो हजरत बिलाल दी अखां च आंसू आ गए। हजरत बिलाल बोल के की आंदे ने इश्क दियां अक्खां नहीं ए लाइयां जांदियां लग जा फिर नहीं बुझाइयां जांदियां नेज़े उत्ते चढ़ के हुसैन बोलिया तलावतां सुनाइयां जांदियां नेज़े उत्ते चढ़ के हुसैन दसिया एवें ते नहीं गर्दनां कटाइयां जांदियां इश्क दियां अक्खां नहीं लाइयां जांदियां लग जा फिर नहीं बुझाइयां जांदियां नेज़े उत्ते चढ़ के हुसैन बोलिया एवें ते नहीं यारियां निभाइयां। अल्लाह इन्हां नूं भी मदीने लै जाए। हुण मैं आखी उन्हां नूं जिहड़ा नारा मार दे उन्हां अल्लाह मदीने लै जाए मते वारो वारी सारे नारियां नूं लग पवो को थोड़े बंदे ही मारे आ रहे तुसीं नारे मारन लग पए फिर मेरी तकरीर बंद। तवज्जो है अल्लाह तुहाडी मुहब्बत नूं सलामत रखे। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आशिक रसूल आशिको सादिक बड़िया ने सहाबा इकराम ने भी किया बिलाल बिलाल तवज्जो वही तवज्जो मेरे अल्लाह बिलाल अजान पढ़ो। बिलाल ने फरमाया मेरे जख्मा ते नमक ना छिनको मैं हुजूर दा बाबा जी बह जाओ थल्ले बोला मारो पैसिया नु जेड़े मेरे मुकद्दरा चो लभ जाणगे बहु गल सुनो किड्डी प्यारी गल है। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत बिलाल अजान ना पढ़ी लो हुण सुनो हसन हुसैन दी शान आखिरी बात उस बाद शहादत मेरा सलाम फिर कसीदा पढ़ांगा मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशादा। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने फरमाया मैं अजान नहीं पढ़नी
चंद बंदे हजरत अबू बकर सिद्दीक दे कोल से आबाए, उन्हें कहा बिलाल अजान नहीं पढ़ते, दिल करता है जड़ी बिलाल हजूर का चेहरा वेख वेख के अजान पढ़ते सन, एक बार पढ़न याद ताजा हो जाए, हजूर दे वक्त दी याद ताज़ा हो गई, एक बारी बिलाल बांग पढ़न, हजरत बिलाल दे बारे बांग पढ़न दे बारे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला दीगर सहाबा इकराम ने मशवरा दिता, बिलाल इंज बांग नहीं पढ़नी, एक तरीका है बांग पढ़न दा। हाय हाय, ये मैनू पता है ना, तुहानू पता होवे तो सुभान अल्लाह खोना, मैं तो अज गल करनी है ना, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला नू, बिलाल रजी अल्लाह तआला नो जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला नो आपने फरमाया फरमाया एक तरीका है, वो तरीके दे नाल हजरत बिलाल अजान जरूर पढ़नगे, वो केड़ा तरीका है, हसन इमाम हसन मुजतबा नाफ तो लैके जनाब सिर दे नाखना तक इमाम हसन अपने नाना दे मुशाबा ने नाफ तो लैके पैरां दे नाखना तक इमाम हुसैन अपने नाने दे मुशाबा ने हसनैन दोवें आ जाने नाने दी सूरत बन जाती है जो हसन हुसैन लैके आओगे, मेरे आका फरमाया जिन्हें हसनैन का दिल दुखाया उन्हें मैं मुस्तफा का दिल दुखाया, अगर बिलाल को अजान पढ़वानी है तो आखे बिलाल ने बांग कोई नहीं पढ़नी, इंज करो हसन से हुसैन ले आओ, हसन हुसैन नु सामने ले आके खड़ा करके आखो बिलाल नु आखण अजान पढ़ो हसने ने करी मैं नु ले आंदा, उन्हें दसिया तुहाडे नाना पाक दा मुअज्जन आया बिलाल आए ने हसने ने करी मैं आए आण के हाथ जोड़ के आंदे ने बिलाल 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 एक बारी अजान पढ़ के सुनाओ जड़ी नाने दे सामने पढ़ते रहे, बिलाल एक बारी अजान पढ़ के सुनाओ जड़ी नाने दे सामने पढ़ते रहे हो, हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला नो जो हसन ने करी मैन की आवाज सुनी कि अगे आर्डर करन वाले कौन सन, हुण आर्डर करन वाला कौन, हुण आर्डर करन वाले कौन, या खुरुजु मिनहुम अल्लूलू अल्लाह मरजान अल हसन वल हुसैन, अगे कौन सन हुण कौन ने, अगे कौन सन हौली हौली बोलो, हौली हौली गूंगा ना बोले, अगे कौन सन हुण कौन ने, हजरत बिलाल अखां चों आंसू आ गए, हजूर दे रोजा पाकल वेख के फरमाया लजपाला तेरा ही खून है ना, ये तेरा ही खून है ना सोने, ये तुहाडा ही खून है ना, ते तुसां फरमाया भी जिन्हें हसन हुसैन का दिल दुखाया उन्हें मैं मुस्तफा दिल दुखाया, जे मैं हसन हुसैन भी आखा मैं बांग कोई नहीं पढ़नी तो मेरे आका का दिल दुखेगा, ये है बिलाल दी नजरे च हसनैन दी, बिलाल अगे वाकया बड़ा लंबा है मैं इत्थे नूं बंद करना इस बात नूं, बिलाल ने बांग पढ़ी जदों जबान ते हजूर का नाम आया गश खा के डिग गया, क्यों डिगे लजपाला के बांग पढ़ता हूं ना सा चेहरा वेख वेख के अज तुहाडा ना आया चेहरा नहीं आया, अज तुहाडा ना आया चेहरा सामने नहीं आया, अल्लाह तो ऐसे गल नु जनाब सुल्ताने बाहू ने वेखिया, सुल्तान बादशाह गढ़ मोड़ता ताजदार सुल्तान उलारिफीन सुल्ताने बाहू मौला अली दी औलाद आ फरमांदे ने चढ़ वे चन्ना तू कर रुशनाई, चढ़ वे चन्ना चन कौन है किसे नु पता नहीं लगा चन कौन, जनाब चन मेरे आका ने सितारे सारे नबी ने, चढ़ वे चन्ना तू कर रुशनाई, तेरा जिक्र करें दे तारे हो कलियां दे
फिरन नी माने लाला दे वंजारे ओ करबला दा मंजर इमाम हुसैन दा पेश करदे ने सुल्तान बाऊ आप अगे की फरमांदे ने शाला परदेसी कोई ना थी वे कामिल बाऊ जदों करबला वालिआं नूं वेख्या ना करबला वाले मदीने दे मुसाफरां नूं गरीबल वतनां नूं मदीने दे गरीबल मुसाफरां नूं ते गरीबल वतनां नूं परदेसियां नूं जदो सुल्ताने बाऊ जनाब करबला दे टिब्बियां दी सैर कीती आपकी फरमाने ने शाला परदेसी 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 शाला तवज्जो नहीं की थी तुसा तवज्जो नहीं की थी दोबारा फिर सुना मेरी मेहनत जाया की थी है शाला परदेसी परदेसी शाला परदेसी कोई न थी वे मेरा कामिल बाहू एक अख जिना तो भारे ओ ताड़ी मार ताड़ी मार ताड़ी मार उड़ाना बाहू असी आप ही उड़न हारे ओ ओ प्यार ना बोलो गुस्से ना नहीं बोलना दसवीं मुहर्रम दी रात सुनो शहादत फजाइल बयान कर चुके हैं शहादत सुनो टाइम काफी हो गया 20 मिनट शहादत बयान करके इजाजत दसवीं मुहर्रम दी रात है मेरे हुसैन बादशाह ने अपने जवान पुत्र नु खड़ा किया अली अकबर पाक ने खड़ करके फरमाया बेटा रात दा वक्त है तवज्जो भाई तवज्जो रात दा टाइम है सीने ते हाथ रख के मेरी बात सुनना इमाम हुसैन ने फरमाया बेटा लगदा है करबला दे मैदान दे अंदर करबला दे मैदान च कोई महसूस हुंदा है कोई है वे जाके पता करो कौन है बस आखिरी शहादत बयान करके कसीदा पढ़ के इजाजत फिर लंगर तकसीम होएगा इंशाल्लाह हजरत इमाम हुसैन ने अपने जवान पुत्र अली अकबर पाक ने फरमाया मैदान करबला दा मुआयना करके आओ करबला दे मैदान च कौन है परदेसियां नाल प्यार करन वाला कौन है गरीब अलवतना दे नाल प्यार करन वाला कौन है मदीने दे मुसाफरां नाल कौन है मोहब्बत करन वाला तो शहजादा अली अकबर पाक बोल के अर्ज करदे ने बाबला मैं करबला दे मैदान च जावा फरमाया सामने करबला दा मैदान जा करबला दे मैदान विच वेखिया कौन अली अकबर पाक उठे रात दा टाइम शहजादा अली अकबर पाक मैदाने करबला विच आए आण के वेखिया एक पर्दादार खतून उन्हें पर्दा कीता होया हजरत शहजादा अली अकबर पाक अगे हो के पुछदे ने अर्ज करदे ने बीबी तू कौन गरीब अलवतना नाल प्यार करन वाली है तो कौन
मदीने दे मुसाफरां नाल प्यार करन वाली है तू कौन, मुसाफरां दा मैदान साफ करन वाली है तू कौन। तीन बारी पुछया बीबी ने जवाब नहीं दिता, एक बारी पुछया जवाब नहीं आया, दूसरी बारी फिर पुछया जवाब नहीं आया, तीजी बारी पुछया आशिको जवाब नहीं आया। अली अकबर वापस आ गए इमामे अली मकाम, अपने शहजादे अकबर नो वेखिया, वेख फरमाया बेटा कौन है, करबला दे मैदान विच कौन है, औलाद आले बैठे हुए। शहजादा अली अकबर पाक अर्ज करते ने बाबला तीन बारी पूछया तू कौन, एक औरत है जवाब नहीं देंदी, अपना तारफ नहीं करवांदी, पर्दा कीता होया बुरका पाया होया, मैं तीन बारी पूछे एक बारी पूछे जवाब नहीं आया। मेरे इमामे हुसैन दी अक्खां विचों हंजू आ गए, करबला दा मैदान साफ कर रही है सवेरे, बड़े वेले मेरे दोते पोतियां दी इत्थे लाशां तड़फड़ियां ने, किसे मेरे दोते पोते नू कंकरी ना चुभ जाए, अपनी चादर ततीर नाल ओ चादर जड़ी दा जनाब इजराइल भी हया करदा, जड़ी चादर दा इजराइल भी आया करदा। मेरे आका दे, मेरे आका दे आखरी वक्त दे इजराइल आया, तरह दिन हुंदा रहे औलाद वाले तवज्जो फरमाओ, मेरी सरकार बीमारी दी हालत दे अंदर मेरे आका दी बेटी दरवाजे विच जांदी है, पुछदियां ने तू कौन है, आंदा मैं जनाब मेरा बिया, फिर पुछदियां तू कौन है, आंदा मैं मेरा बिया, आया मेरे आका दी अखां चों आंसू आ गए, मेरी सरकार ने फरमाया दिए दरवाजे विच अज तीन दिन हो गए, ए कौन वे बाबलांदा मैं देहाती हां, मेरे आका रो के फरमाया, मेरी सरकार दी अखां विचों आंसू आ गए, फरमाया बेटी ए देहाती नहीं ए ओए, बच्चियां नूं यतीम करदा चला जांदा, औरतां नूं बेवा करदा चला जांदा, विछोड़े पांदा टुर जांदा, जाना रूहां कबज करदा, वे बाबला ए मलकल मौत फरमाया ना, महा बेटी है इजराइल, अर्ज कीती बाबला मैं कुरान च पढ़िया है वी बुरूज मुशय्यद तुसिबहुम हसन, सात कोठियां च भी बंद हो जावे ए उत्थे भी आ जांदा, किसे दा बुआ नहीं खड़कांदा, किसे कोई इजाजत नहीं लैंदा, मेरे आका फरमाया बेटी गल ते एवें ही है, जिंदे बुए ते भी जांदा है दरवाजा नहीं खड़कांदा, लेकिन अज इस बुए ते दरवाजा इस वास्ते खड़का रहा है, मेरी बेटी फातिमा दी चादर दा हया करदा पिया, जारा पाक दी चादर केड़ी है जड़ी चादर दा हया इजराइल भी करदा है, जारा पाक दी चादर केड़ी है जिंदा हया सूरज भी करदा है। ए फातिमा दा जिक्र पे होंदा है, उखड़ गए तो मार खा जाओगे, तवज्जो करो मेरे वाले, कोई सिरों नंगा बैठा तो अपना सिर कज लवे, मुहम्मद की धी का जिक्र पे आंदा है, बतूल का जिक्र हो रहा है, इतों बंदा थड़ुक जाए तो पूरी जिंदगी वास्ते मार खा जाता है। बीबी जारा पाक उस चादर के नाल मैदान पियां साफ कर दियां ने, मेरे सवेरे दोतियां पोतियां दियां इत्थे लाशां तड़फ रहीयां ने, किसे नूं कंकरी ना चुभ जाए। अल्लाह अकबर, किसे नूं कंकरी ना चुभ जाए। हजरत इमाम जमाना इमामो शोहदा इमामो साबरीन इमाम आली मुकाम आप फरमाते ने, जो मैं सारा कुंभ अल्लाह के रस्ते च दे बैठा ना, तो मेरे को नाने की चादर सी, इंज करके चादर छंडी है, अद्धियां नूं समझ आई अद्धियां नूं को नहीं आई। बतूल पाक दे शहजादे ने इंज करके चादर छंडी, ते उत्ते चेहरा करके क्या अजे भी राजी होया, गल करके नहीं हो,
गल कर अजे भी राजी होया या नहीं होया ते उत्तो आवाज की आई हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद अगले अगले पढ़ते पहले पिछलिया नु की है लंगर पाकां दा दिने राती पांगा दा लंगर खांदे हो मोहब्बत ना पढ़ो सारे पढ़ो हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद आवाज अजे मेनू सारिया की नहीं आई जिनी देर सारिया ना पढ़िया मैं तुहाडी जान नहीं छड़नी हुसैन जिंदाबाद यजीद मुर्दाबाद यजीद मुर्दाबाद हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद इंज दा हुसैन जिंदा इंज दा हुसैन जिंदा कट्टी आई गर्दन चौवी कुरान पढ़दा अल्लाह करीम ने फरमाया वाला तकूनो लिमा उक्तलो सबीलिल्लाह अमवात वल अहया वलकिल्ला तशूरो فرمایا والا آیا تحسبا الذين قتلوا في سبيل الله يموت بل احياء عند ربهم يرزقون حسين زندباد हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद यजीद मुर्दाबाद यजीद मुर्दाबाद यजीद मुर्दाबाद जिंदाबाद अच्छा भाई शहादत तुसी सुनते ही रहिंदे हो शहादत एक वाकया बयान करना छोटा जिहा बड़ा ईमान अफरोज वाकया जदों करबला की जंग खत्म हुई ना तवज्जो है करबला की जंग खत्म हुई वाह जी बाबा जी वाह बाबा जी की बोलिया मैं वाला बाबे हरण पूछता मैं बाबे हरण की तकरीर की कई बंदे मसीह तो तकरीर सुन के तो बाहर निकल गया कहना मौलवी फट्टे चुक छड़े ने आख्या की ओए समझ नहीं आई फट्टे चुक छड़े ने अल्लाह अकबर मेरे इमाम अली मकाम की एक बेटी है मूह बोली एक बेटी होंगी सकी एक मूह बोली बेटी उनका नाम शीरी बड़ा दर्द वाला वाकया है धियां वाले इस वाकया की कदर करनगे धियां वाले ती जमदी प्रदेशन होंदी है शीरी ना आंदा मेरे मौला हुसैन दी मुंह बोली बेटी है ती पहला दस चुकिया जमदी प्रदेशन होंदी है जो ती दे टुरन दा टाइम आंदा है ना ते बाबल दी अखां चों आंसू आंदे ने ना बोलो मां प्यो रोंदा है ਐਵੇਂ ਪੰਜ ਸੱਤ ਮਿੰਟ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਖਤਮ ਇਮਾਮੇ ਅਲੀ ਮੁਕਾਮ ਇਮਾਮੇ ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ
घर बना घर रख के ना प्यार किया आप बाप वाला प्यार करते रहे आप दी जड़ी जोजा सी ना ईरान दी शहजादी शहर बन वह मां वाला प्यार करती रही सारी जिंदगी उन मां ते बाप दा एहसास नहीं होण दिता धी किसी होर दी सी धी किसी होर दी सी लेकिन मेरे हुसैन ने उन्हें घर रख के धी बना के पालिया ते जारी गल जो धियां टोरी है ना तो मेरे इमाम अली मकाम दी एक मौआ बोली बैठी है जिंदा नाम शीरी बीबी मेरे इमाम अली मकाम ने उन्हें घर रख के धी बना के पाले जो धी टोर दईए पीछे मापे मिलने वास्ते आंदे जो धियां टोर दईए धियां अपने सहुरिया के घर ससुराल के घर चलिया जांदियां पिछे मापे मिलने वास्ते जांदे जो श्री बीबी नूं घर रख के मेरे इमामे हुसैन ने पाक ने धी बना के पाले सारी जिंदगी उन्हें मां ते बाप वाला एहसास हो नहीं दिता जनाबे वाला जो श्री बीबी की शादी निकाह का टाइम नेड़े आया इमाम हुसैन उन्हें अलविदा करन लगे उन्हें टोरन लगे करबला मोहल्ला दे नाल एक पिंड उस पिंड का नाम मकामे हनान उत मेरे इमाम हुसैन अपनी उस बच्ची की शादी की दर्दे दिल रखने वाले हो मेरे इमामे अली मकाम जब उन्हें टोरन लगे हाथ जोड़ के आंदी है मैं बाबला सारी जिंदगी मेनू मां ते बाप का एहसास हो नहीं दिता मैं बाबला सारी जिंदगी मेनू दबका नहीं मारिया मेरे नाल बाप वाला प्यार करते रहे हो हुण मैं चली हां मियां साहब फरमांदे ने धियां लई परदे समें बाबला पुत्रा लई जागीरा चुप रहना मुँह कुछ ना कहना धियां धियां तकदीरां धियां पुत्रां वाले बेटियां बेटियां वाले बैठे होए श्री हथ जोड़ के आंदी है बाबला मैं अपने घर चली हूं मेरे ना वादा कर ले कदी दी नू मिलन वास्ते आवेगा कदी बेटी नू मुंह आन के वखावेगा मेरे इमामे अली मकाम नू पता है करबला मोहल्ला विच मैं कूफिया ने मैनू बुलाना है मैं उठे जाना है उन्हें मेरे टुकड़े टुकड़े कर देने मेरे इमामे हुसैन ने वादा पूरा नहीं किया बस इन्ना ही फरमाया अगर वक्त ने वफा की बच्चा सी तेरे कोल जरूर आवांगे अगर वक्त ने वफा की असी तेनू मिलने वास्ते आवांगे श्री बीबी जनाब अपने घर चली गई जनाब उन्दे दिल विच बड़े अरमान मेरे बाप ने आना मेरी मां शहरबानों ने आना इमामे हुसैन ने वादा किया होया मैं जरूर आवांगा जदों करबला मोहल्ला विच वी बोरियां खतानियां भर गई जड़ियां कूफियां कलियां वी बोरियां किनियां इमाम हुसैन को खत आंदा है पढ़दे ने विच रख देंदे ने पढ़दे ने बोरे च पा देंदे ने पढ़दे ने बोरे च पा देंदे ने वी बोरियां हो गईयां अखीरी इरादा फरमाया पहलो मुस्लिम बिन अकील नूं कलिया फिर उन्हां उधरों पैगाम कलिया फिर आप गए हुण मेरे इमामे अली मकाम जदों करबला मैदान वल जाण दा इरादा फरमाया करबला मौला दे मैदान च मेरे इमाम शबीर उधर श्री बीबी नूं किसे ने दस्या मदीने विचों इक काफला आया उन्हें दिल विच बड़ा चाया दिल विच ख्याल आया हो सकता मेरा बाबा ही होवे हो सकता मेरा बाबा ही होवे उन्दे दिल विच बड़ा चाया बड़ी मुहब्बत आई दिल विच जनाब दिल दिल दे अंदर सोचदी है फिर लोगों नूं पुछदी है लोगों जिहड़ा मदीना पाक जो काफला आया है ओ काफले दा सिपासलार कौन लोगों दस्या उन्दा नाम हुसैन बादशाह है और दिल दे विच चाया मुहब्बत आई जनाबे वाला महल्ले वालियां औरतां नूं बुला लैंदी है निके निके बच्चियां नूं पैसे देंदी है आंदी है बाजारों गुलाबां दे चंबेली दे फुल लियाओ ताज वालियां मंजियां बिस्तरे कढ लैंदी है तकिए ला देंदी है ताज वालियां मंजियां बिस्तरे कढ के
बेड वछा देंदी है तकिया ला देंदी है उत्ते फुल रखदी है औलाद आले ओ इरादा करदी है अज मेरे बाप ने आना अज मेरी मां शहरबानों ने आना मेरे वीर आने पर उन्हें पता नहीं मेरे वीर दे उन्हें टुकड़े टुकड़े कर देने मेरे बापे दा सरियन वरने दे दिलाओं दे उत्ते टंगड़े दिल दिल दे अंदर बड़ा चा कर दी है पर उन्हें पता नहीं मेरे बाप ने केड़े रूप जाना मेरे वीर ने केड़े रूप जाना मेरी मां ने केड़े रूप जाना आशको महल्ले विच मना दी कर दी है अज मेरे बाप आ रहे अज मेरी मां आ रही बैड वाली इशारा कर दी है आंदी इत्थे मेरा पीर बैणगे इत्थे मेरा बाप बवेगा इत्थे मेरी मां बवेगी शीरी बीबी बार दरवाजे च खलो के करबला वल मुंह करके आंदी है एना नैना नू उड़ी के रहंदी तेरी वे कदों तू आना बाबला एना नैना नू उड़ीक रहंदी तेरी वे कदों तू आना बाबला उड़ीक उड़ीक मैं हुण थक चली उड़ीक उड़ीक के हुण मैं थक चली वे कदों तू फेरा पौना बाम दिल दिल दे अंदर इरादा कर दी है इधर सारा पाक दा उजड़े आया घराना काफला मेरे नबी दे घराने दा 72 सिर नेजे दिया नौकां ते 73वां सिर मेरे इमामे हुसैन दा इंज दी सुभान अल्लाह मेनू नहीं चाहिदी इमामे हुसैन दा 73वां सिर 72 सिर नेजे दिया नौकां ते 73वां सिर मेरे हुसैन बादशाह दा उची बोलो हुसैन को विशोदो अगे अगे मेरे हुसैन दा सर 72 सिर पीछे खौली बदबخت खنزیر बेईमान दे हाथ विच मेरे हुसैन दे सर अनवर आला नेजा नेजा ओ नेजा खौली ने पकड़िया होया है जिंदे उत्ते हुसैन दा सर अनवरे एडा सोना सिर जिन्हों मुहम्मद अली फातमा चुमदे रहे ने मुहम्मद अली फातमा चुमदे रहे ने ओ काफला जनाब चलदा चलदा जदों श्री बीबी दे दरवाजे दे नेड़े आया किसे आवाज मार के दसिया श्री पार के निकल निकल के वे खुजड़े होया काफला आ गया श्री बीबी दरवाजे चो पार आई आन के वेखिया मेरे बाबे दा सिर नेदे दी नोक ते टंगया होया है अगे ओ के नेदे नु फड़ के बेहोश हो गई जदों होश आया उठ के आंदी है बाबला तू मेरे नाल वादा कीता सी मैं तुहाडे कोल जरूर आवांगा वे बाबला जे आया है केड़े रूप च आया है केड़े रंग विच आया है वे बाबला मैं ते तकिए लाए होए फल वछाए होए फरमाया बचिए सानू माफ कर देई नाना पाक दा कलमा पढ़न वालिया ने बुला के आ हाल कीता सानू माफ कर देई असी अपना वादा कीता या पूरा नहीं कर सके वे बाबला हुण जिथे मैं ताज मनिया सजाईया होईया ने उथे किन्नू बिठावा मैं ते लोकां नू चावा चावा नाल दसिया मेरे बाप ने आना हुण उथे किन्नू बिठावा फरमाया इन्हां बेईमाना कोलो चंद कड़ियां वास्ते मेरा सिर मंग ले उस जगह ते रख के अरमान पूरे कर ले जिथे तू इरादा कीता मैं अपने बाप नू बिठाना इन्हां को चंद कड़ियां वास्ते मेरा सिर मंग उथे रख के अपने दिल दे अरमान पूरे कर जिथे तू इरादा कीता है दुनिया शहादत में तेरा नाम रहेगा हुसैन बादशाह तेरे नाम से जिंदा इस्लाम रहेगा जो दहकती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन
जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, जो जवान बेटों की मैयत पे ना रोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खोहा के फिर कुछ ना खोया वो हुसैन। दुनिया शहादत में तेरा नाम रहेगा हुसैन बादशाह, तेरे नाम से जिंदा इस्लाम रहेगा। दुआ करो हुसैन बादशाह राजी हो जान, साड़ी बख्शिश का सबब बन जाए। नींदरा छड़ के आए हो, बिस्तरे छड़ के आए हो, हैं जी अल्लाह के घर च आए हो, ते हुसैन भी इत्थे आए ने, साड़ी अख वेखण दे काबल नहीं। ते जिन्हां जिन्हां महफिल पाक में आए ने, मैं की जानना है, जिन्हां दी महफिल च आए हो दिल दे राज सारे ही जानते ने। उन्होंने जो कुछ देना उन्हें ही देना, मैं की देना जे। मैं तो जो तुहानू सुनाना सी वो सुना छड़िया हैं जी। अल्लाह वाहदा हुला शरीक की बारगाह दुआए सब दोस्तों बुजुर्गों नौजवानों बच्चों का औरतों का महफिल पाक के अंदर शिरकत करना और इस महफिल पाक के अंदर माली जानी तावन करना अल्लाह ताला सब दा पूरा फरमाए। और मैं हुन कसीदा पढ़ना पढ़ना कसीदा हक दे वली दा, पढ़ना हक दे वली दा, पढ़ना कसीदा मौला अली दा, सुनिया दे पीर दा मुस्तफा दे वीर दा, पढ़ना कसीदा हक दे वली दा, कसीदा जहरा दा शोहर पीरा दा पीरे, मैं क्या दसावा केड़ा अमीर। अली मैं दसन लगा किड़ा को अमीर है, किन्ना को अमीर है। जहरा दा शोहर पीरा दा पीरे, मैं क्या दसावा केड़ा अमीर है, किड़ा अमीर है। अली तख्त सरा तो अरशे उला तई, तख्त सरा तो अरशे उला तई, ये सारे दा सारा, सारे दा सारा रकबा अली दा, पढ़ना कसीदा हक दे वली दा, पढ़ना। जड़े अली दे मलंग हो ते मस्त हो, जड़ा अली दा मुनकर आपे उन्हों रब पुछेगा, अली नू मिटाउन वाले आपे मिट जाणगे, अली नू कटाउन वाले आपे कट जाणगे, जड़ा अली दा मलंग हो ते मस्त हो के पढ़े। पढ़ना कसीदा हक दे वली दा, पढ़ना कसीदा हक दे, पढ़ना कसीदा एक आम बाले एक खास बाले, जड़ा खास बाले जहरा दलाल। आम बाल ते खास बाल की पहचान करनी है, माशाल्लाह। एक आम बाले एक खास बाले, जड़ा खास बाले जहरा दलाले। कौन है खास बाल? नाने दे दीन तो गर्दन कटा, जिन्ने नाने दे दीन तो गर्दन कटाई, पढ़ो पढ़ो नाने दे दीन तो गर्दन कटाई, उचियां शाना वाला, उचियां शाना वाला कुनबा अली दा, पढ़ना कसीदा हक दे वली दा। लो भाई आखिरी शेर, फिर जिंदा यार सोबत जिंदगी रही थे। सखी लाल शहबाद कलंदर सेवन दा राजा,
सेवन दा ताजदार उस्मान मरवंदी असल ना आप दा उस्मान मरवंदी आप मौला अली दी बारगाह हदीया पेश कर देने की फरमांदे ने के दर ते मैं झुकया आप की फरमांदे ने इधर स्टैंड पर करना सखी उस्मान मरवंदी आप एन चुक गए चुक गए अंज चुक के फरमांदे ने दर ते मैं झुकया बन के सवाली इज्जत मिली जग तो निराली बड़ी कलंदर नू इज्जत मिली है हसनी हुसैनी सैयद है सुनो पूछिया लोग सरकार की इज्जत मिली है फरमाया ओ मैं दसा की इज्जत मिली मैनू दर ते मैं झुकया बन के सवाली इज्जत मिली है जग तो निराली पूछिया लोग की इज्जत मिली आप फरमाया ताइयों लोग मैनू कहंदे ने कलंदर ताइयों लोग मैनू कहंदे ने कलंदर साग हां मगर मैं कुत्ता हां मगर मैं साग हां मगर मैं मौला अली दी गली दा पढ़ना कसीदा हक दे अली दा मिलके लगाओ सारे लगाओ नारा अली दा नारा है हैदरी नारा है हैदरी व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।